ये वतीरा बनाया हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई में मसरूफ़ है और काफ़ी देर हमने बहैसियत मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी ये देखा कि शायद सुप्रीम कोर्ट खुद इनको तवीनी अदालत के नोटिस दें और हर एक लीडर और हर एक अवामी नुमाइंदा आके चैनल्स पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसे याद करता है जैसे वो किसी दिहाड़ीदार मजदूर का जिक्र कर रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का इस तरह जिक्र होता है, ना कवानीन का पता है ना उनको ये इलम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन क्या थी जब ये कमेंट्स दे रहे थे तो इनके सामने क्या कोई मुकदमा था या नहीं। बदी वजह हमने ये फैसला किया है कि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उनके जो अभी ताज़ा तरीन मुकदमात आए हैं हम तवीनी अदालत की पिटिशन दायर कर रहे हैं। अच्छा, और आइंदा जो भी नून का कोई भी लीडर या किसी भी पार्टी का लीडर किसी भी अदालत की हर्जा सराई करेगा या उनकी तवहीन करेगा, अब बहैसियत मेंबर ऑफ द लीगल कम्युनिटी अब मेरा ख्याल है अगर इनको लगाम नहीं डाली गई जिस तरीके से ये लगाम डाली जानी चाहिए, लगाम ये नून लीग को जो जिन्होंने बिल्कुल यानी 4-5 महीने से जो ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत की पिटीशन शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, क्योंकि उनके दोनों के हमने मतन निकाले हैं, दायर कर दिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, कल हम दायर कर रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और अर्ज कर दूं जो इन्होंने बताया शहबाज शरीफ के आज के बयान जो आज ट्वीट किया आज का ट्वीट आज का ट्वीट जो आया है उसमें उन्होंने कुल्लम कुल्ला तवीनी अदालत की है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि आपकी तवीन हुई है और आपकी तवीन से पूरी अदलिया का वकार जो है वो बिलिटल हो रहा है और पूरी मेजेस्टी ऑफ जस्टिस जो है वो दांव पे लगाई जा रही है।